Hello everyone, good morning class 5, and today this is your reasoning class and we are going to start chapter number 2, that is coding and decoding. Okay, so let's first understand what does these words mean. What is the meaning of coding and decoding? So coding means किसी चीज का कोड बनाना, ठीक है ना. जब हम कोई अपनी बात कहना चाहते हैं किसी ऐसे पर्सन को कि बीच में उस मैसेज को, उस बात को कोई तीसरा समझ ना पाए, तो हम अपने कुछ कोड वर्ड्स बना लेते हैं. कोड वर्ड्स में हम बात करते हैं. तो कोड वर्ड्स में बात करना या फिर किसी मैसेज को कोड लैंग्वेज में राइट करना, तो दैट इज नोन एज कोडिंग. और डीकोडिंग मींस कि उसी बात को, उसी लैंग्वेज को जब आप समझते हैं, जब आप उसको पढ़ रहे हैं, आप उसको उल्टा कर रहे हैं, मतलब कोड से आप अब अपनी बात बना रहे हैं, ठीक है. सो दैट इज नोन एज डीकोडिंग. अब हम उसको क्या कहते हैं, डीकोडिंग कहते हैं. सो लेट्स हैव अ इंट्रोडक्शन. क्या कोड इज अ सिस्टम ऑफ सिग्नल्स. कोड क्या है, सिस्टम है सिग्नल्स का. और इसीलिए कोडिंग जो है वो मैथड है मैसेजेस को ट्रांसफर करने का दो पर्सन के बीच में, कि बीच में तीसरे पर्सन को पता नहीं चले क्या मैसेज था, क्या बात थी, ठीक है. अब जो पर्सन मैसेज सेंड करता है, ट्रांसफर करता है, दैट पर्सन इज नोन एज सेंडर. एंड जो पर्सन मैसेजेस को रिसीव करता है, दैट इज नोन एज रिसीवर. अब जो ट्रांसलेटेड या कोड लैंग्वेज है, जब वो रिसीवर के पास पहुँच जाती है, तो उससे कुछ मीनिंगफुल मैसेज निकालता है, ठीक है. तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डीकोडिंग. डीकोडिंग का मतलब क्या है, इसका मतलब प्रोसेस टू अंडरस्टैंड अ कोड लैंग्वेज. कोड लैंग्वेज को समझने की जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज डीकोडिंग. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीकोडिंग. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ कोडिंग. सो टाइप्स ऑफ कोडिंग में सबसे पहले बच्चे हमारे पास आ रहा है लेटर कोडिंग. लेटर कोडिंग के अंदर क्या होता है, जो अल्फाबेट्स हैं ए टू जेड, उनको हम यूज करते हैं या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में, उनसे कुछ कोड लैंग्वेज बनाते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर हमारे पास में है टीचर. अब टीचर को इस तरीके से लिखना है, उल्टा लिख दिया ना, आर ई सी एच सी ए ई टी, ठीक है. तो मतलब ये इसका रिवर्स है. आर जो लास्ट लेटर था पहले हमारा, अब क्या किया गया उसको फर्स्ट पोजिशन पे, ठीक है. सेकेंड लेटर को सेकेंड पोजिशन पे, थर्ड लेटर को थर्ड पोजिशन पे, जो लास्ट से थर्ड है, ठीक है. लास्ट से जो फोर्थ है उसको इधर से फर्स्ट से फोर्थ पोजिशन बना दी गई है. तो इस तरह से ये जो पूरा है उल्टा हो गया है, ठीक है. अब सेम काम हम कर सकते हैं, तो अब हम कर सकते हैं. अब इसने पूछा देन हाउ विल स्कूल बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज. उसी कोड लैंग्वेज में हम स्कूल को कैसे राइट करेंगे. तो यहाँ पर देखो, टीचर, टीचर के लिए हमने उल्टा लिख दिया आर ई एच सी ए ई टी. अब उसी कोड लैंग्वेज में हमें स्कूल को लिखना है, तो स्कूल को भी हम उल्टा लिख देंगे. एल को सबसे पहले, देन ओ, फिर दूसरा वाला ओ, फिर एच सी एंड एस. इस तरह से हम उसको राइट कर सकते हैं, ठीक है. तो इसी लैंग्वेज में अगर हमें दो चार वर्ड्स और भी अगर हमें करने पड़ जाए, तो देखो हम किस तरह से वो कर सकते हैं. जैसे सपोज हमें करना है इसी सेम कोड लैंग्वेज के अंदर, अगर हमें स्कूल की बजाय अब हमें ग्राउंड को करना है, ठीक है. नाउ वी हैव जी आर O U N T, ग्राउंड. तो ग्राउंड को जब हमें उसी कोड लैंग्वेज में अगर लिखना है, तो हाउ वी विल राइट, D N U O R G. ओके, इस तरह से कितना भी बड़ा लेटर हो, कितना भी छोटा लेटर हो, अगर हमें इसी कोड लैंग्वेज के अंदर अगर हमें करना है बोर्ड, ओके, B O A R D, बोर्ड को अगर हमें इसी कोड लैंग्वेज में करना है, अगेन वी विल स्टार्ट विद डी आर ए ओ बी. सो दिस इज लेटर कोडिंग. यहाँ पर ये क्या है आपकी, लेटर कोडिंग, यानी हम बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है. दो डायरेक्शन होती है, एक होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जब हम बात करते हैं, और एक बैकवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, ओके. सो दिस वॉज अबाउट लेटर कोडिंग, ओके. सो अब लेटर कोडिंग के बाद जो है बच्चे, हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ कोडिंग को. तो नेक्स्ट, ओके, सो स्कूल विल बी कोडेड एज, हमने देखा था अभी, एल ओ ओ एच सी एस. इस तरह से हम कोडिंग करेंगे स्कूल की, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है. सो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कोडिंग में. तो नेक्स्ट टाइप ऑफ जो आपकी कोडिंग है, दैट इज, वेट फॉर अ मिनट, डायरेक्ट लेटर. तो डायरेक्ट लेटर कोडिंग के अंदर आपका क्या होता है, जो लेटर्स हैं वर्ड्स के
डायरेक्टली हम इसे दूसरे लेटर से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर अब हमारे पास में कोड लैंग्वेज के अंदर कोई मैच नहीं होगा, कोई भी कम्बिनेशन नहीं बनेगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि मतलब लाइक स्टेबल की जगह पे भी यूज किया गया है बी डी एफ जी जे के। अब स्टेबल में जो एस है उसकी जगह पर बी यूज किया, लेकिन इनका कोई मैच नहीं बन रहा है कि एस की जगह पर बी क्यों यूज किया। कोई रीजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बस यूज किया है। तो ये डायरेक्ट लेटर कोडिंग है, ठीक है। अब हम इसी का एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम जब किसी का एग्जाम्पल देखते हैं तो देखो दिस वी हैव स्टेबल। अब स्टेबल की जगह पे यूज क्या किया गया बच्चे, बी डी एफ जी, बी डी एफ जी जे एंड के। इसी तरह से जो दूसरा आपका लेटर है जो यहाँ पर यूज किया गया, दैट इज फाउंटेन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दैट लेटर एफ ओ यू एन टी ए फाउंडेन। ओके, अब फाउंडेन की जगह पर जो कोड बनाया गया है दैट इज एम ओ वाई, एम ओ वाई जेड डी एफ, जेड डी एफ देन जेड के, जेड एंड के। तो ये इसमें कोड इसका बनाया गया है। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक अ डिफरेंट कोड। अब हमें कोड किसके लिए बनाना है, यहाँ पर स्टोन के लिए। ओके, सो द लेटर विच इज गिवन टू अस, और सॉरी द वर्ड विच इज गिवन टू अस इज स्टोन। ओके, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, स्टोन। So this is stone. अब stone के लिए जब हमें code बनाना है, अच्छा तब देखिए S, S कहाँ है, fountain में S नहीं है, stable में S है, और stable में जो S है उसके लिए हमने क्या use किया हुआ है, B। तो यहाँ भी हम S के लिए क्या use करेंगे, B write करेंगे। Then we have T, यहाँ पर directly हम देख सकते हैं T के लिए कौन सा letter use हो रहा है, D। But fountain में भी T है, और fountain में भी जो T है उसके लिए कौन सा letter use कर रहे हैं, वो D use कर रहे हैं। So we will write here D। Then comes O, तो स्टेबल में जो O है नहीं, फाउंटेन में O है, फाउंटेन में जो O है उसके लिए जो कोड यूज हो रहा है दैट इज O, वो भी O ही है, तो यहाँ पर भी हम क्या राइट कर देंगे, देन कम्स N। अब N जो है फाउंटेन में है और उसके लिए लेटर यूज हो रहा है Z, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, Z। Now comes E, अब E देखो स्टेबल में भी E है, फाउंटेन में भी E है, और दोनों ही केसेस में E की जगह पर क्या यूज हो रहा है, K यूज कर रहे हैं, लेटर K इज। हमारा जो कोड है वो क्या बन जाता है, डी डी ओ जेड के। ये ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर अभी ऑप्शंस तो इसमें नहीं है, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट पिक्चर के अंदर जो आप ऑप्शंस देखेंगे, अभी हमने क्या बनाया था, बी डी ओ जेड के, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमने मैच कर रहे हैं। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो कोड है वो हर क्वेश्चन में डिफरेंट हो सकते हैं, ये नहीं है कि इस क्वेश्चन के अंदर एस की जगह पर बी यूज हुआ है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एस के प्लेस पर बी भी यूज होगा। वो हर एक क्वेश्चन में अलग कोड होता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट लेटर कोडिंग है, सॉरी नेक्स्ट टाइप ऑफ कोडिंग है, दैट इज नंबर और सिंबल कोडिंग। अब नंबर और सिंबल कोडिंग के अंदर क्या होता है, अल्फाबेट्स की जगह पर नंबर्स और सिंबल्स यूज होंगे, कोई अल्फाबेट यूज नहीं होगा। ओके, तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है आपका,
वर्ड है कार और एक वर्ड है कैट। इन दोनों के लिए हमें कोड गिवन है। कार में जो कोड है बच्चे वो गिवन है हमें, वेट फॉर अ मिनट, दैट इज हैश स्टार एंड टू। अब इसके प्लेस पर क्या यूज किया गया, हैश स्टार एंड टू। सेम वे में कैट की जगह पर क्या यूज हुआ है, हैश स्टार एंड डी। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कोड फॉर रेड। हमें क्या करना है, रेड के लिए कोड फाइंड आउट करना है। तो अब इसके अंदर देखो सी के लिए क्या यूज हो रहा है, हैश यूज हो रहा है। इस क्वेश्चन में भी सी के लिए हैश ही यूज हो रहा है ना। अब हमें देखना क्या है, सो अब हम देखेंगे ए के लिए क्या यूज हुआ, स्टार, यहाँ पे स्टार, आर के लिए टू और यहाँ पर डी के लिए। अब हमें चाहिए क्या, आर। तो आर है कार में और आर के लिए क्या यूज किया गया, टू। हम भी क्या यूज करेंगे बच्चे, टू ही यूज करेंगे। ओके, इसके बाद में है जो ए, ए के लिए दोनों में ही स्टार यूज हो रहा है, हम भी क्या यूज करेंगे, स्टार। देन टी, टी के लिए क्या यूज हो रहा है यहाँ पर, डी, तो हम भी क्या यूज करेंगे, डी। तो मतलब रेड के लिए जो हमारा कोड है वो बन जाता है टू स्टार एंड डी। ओके, इस तरह से हम लोग मैच करेंगे दोनों में से क्या बनता है आपका और उसी के अकॉर्डिंग फिर हमें करना है। सो टू स्टार डी मीन्स जो ऑप्शन डी है दैट इज करेक्ट आंसर। तो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ कोडिंग, लेटर कोडिंग, देन डायरेक्ट कोडिंग एंड नंबर ऑफ सिंबल कोडिंग। ओके, फर्स्टली यू रीड दिस टॉपिक, रीड दिस इंट्रोडक्शन फ्रॉम योर बुक एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स रिलेटेड टू कोडिंग एंड डीकोडिंग। टेक केयर।